अस्सलाम वालेकुम जी। तो वेलकम है आप सबका एक न्यू फूड व्लॉग में। तो भाई आपका मौजूद है इस वक्त सियालकोट शहर के अंदर इनायत स्वीट्स के बाहर। तो जैसा कि आप सब लोग पहले से ही कुछ लोग जानते होंगे कि इनायत स्वीट्स की हलवा पूड़ी इज़ वन ऑफ़ द बेस्ट हलवा पूड़ी ऑफ सियालकोट। अगर आप लोग सियालकोटियों से पूछेंगे ना कि इतवार को उनकी क्या मसरूफियात हैं, तो वो कहेंगे जी इनायत के बगैर तो हमारी सुबह ही नहीं होती। मतलब इतना को हैवी किस्म का रश होता है यहाँ पर, मतलब फुल दीवाने हैं लोग यहाँ के सियालकोट के हलवा पूड़ी के। तो अगर बात की जाए तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हलवा पूड़ी होती है। एक यूनिक किस्म का इनका प्लेटर होता है जिसके अंदर ये आलू वगैरह होते हैं खट्टे, उसके अलावा मीठा पूड़ा होता है, चटनी होती है, जैम होती है, चने होते हैं। बड़ा हैवी किस्म का ना सीन होता है। तो बहुत सारे लोग इनको यहाँ पर खाने आते हैं। तो आई थिंक अगर लोकेशन की बात की जाए तो ये मौजूद है कह लें कि ट्रंकों वाला बाज़ार है, उसके साथ शहीदों वाला चौंक है। आप यहाँ पर सियालकोट में आकर किसी से भी इन दोनों लोकेशन का पूछेंगे तो ईजिली आप इनायत स्वीट्स पर आ जाएंगे, या फिर उसके अलावा आप गूगल मैप्स पर अगर सर्च करते हैं तो डायरेक्ट आप इजीली यहां पर पहुंच सकते हैं लोकेशन लगा कर। तो जी मेरे ख्याल से बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और यहां पर जाकर इनके सीन्स चेक करते हैं। आया तेरे देखने नू, आया तेरे देखने नू, चुक चरखा गली दे विच डावा ते माया तेरे देखने नू, चुक चरखा गली दे विच डावा आपका। बहुत ज़्यादा वेट के बाद खाना आपके भाई के पास आ चुका है। तो प्लेटर के अंदर मौजूद है वही, जैसा कि मैंने आपको बताया, हलवा है, मीठा पूड़ा है, चिकन है, अचार है, चने हैं, जैम है, खट्टे आलू हैं, साथ चटनी है। तो जी बिना टाइम वेस्ट किए ने खाते हैं और आपको इसका रिव्यू देते हैं। गाइस तो आपको भाई ने बनाई है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बाइट है, जिसके अंदर आपके भाई ने हलवा वगैरह लगाया है, उसके साथ खट्टे आलू हैं, चने हैं, चटनी है और चिकन वगैरह रखकर आप ट्राई करते हैं। जैसे हलवा पूड़ी यूनिक है ना गाइस, उसी तरह इसका जायका भी यूनिक है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, जितनी तारीफ सुनी थी ना सच है, मतलब अच्छी चीज़ है ओवरऑल खाने के लिए। साथ आपके भाई ने मंगाई हुई है लस्सी, फिलहाल मीठी तो नहीं थी मिली क्योंकि रश की वजह से मीठी वो कहते हैं सुबह सुबह ही ख़त्म हो गई है। तो इसके साथ जो एक प्लेटर के अंदर आती है वो नमकीन लस्सी की, अब चाटी की, तो वो टेस्ट करते हैं ऐसे। ठीक है गाइस, और सबसे मज़े की चीज़ इनकी ये है, सुनने में आया कि सुबह सुबह नाश्ता ओपन हो जाता है, मतलब दुकान ही ओपन हो जाती है, और तकरीबन 12 बजे के करीब टोटली एंड हो जाता है। अब एक और बाइट तैयार कर रहा है आपका भाई, जिसके अंदर आपके भाई ने लगाई है जैम और अचार भी रखते हैं इस ज़माने इसके अंदर। सो ये आप टेस्ट करते हैं वाइट के अचार के साथ और जैम के साथ एडिशन करके क्या टेस्ट आता है इसका। बहुत ही मज़े का खट्टा मीठा सा टेस्ट है, तो यार मज़ा आ गया, एंड हो गया। इससे पहले आपके भाई ने गुजरात में भी खाई थी, वो तकरीबन एक कदीम दुकान थी, तो वो भी अच्छी थी हलवा पूड़ी, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त है। मतलब ये तो है ही यूनिक चीज़, एक प्लेटर है, इसके अंदर चीज़ों की एडिशन ज़्यादा है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो सियालकोट में ना इसके अलावा हसन दीन वालों की भी हलवा पूड़ी है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके भाई ने पोल किया था कि सबसे अच्छी कौन सी है, तो ज़्यादा वोट्स आए थे इनायत वालों के, तो इंशाल्लाह ताला किसी व्लॉग में वो भी कवर करेंगे। तो अभी ऊपर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक नाला तैयार किया है, तो जालम सी बाइट है बहुत। भाई अब आखिरी बाइट लेते हैं और इसके बाद फिर आपको अल्लाह हाफिज़ कहते हैं, एक ज़बरदस्त किस्म की लास्ट बाइट। पर यार अभी तो मीठा पूड़ा भी नहीं खाया है गाइस, ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इनकी चीज़ है, मीठा पूड़ा भी बड़ा ज़बरदस्त होता है सुनने में आता है, पूरी ऐसे ना नरम सी हल्के ज़बरदस्त चीज़ है, इसको भी टेस्ट करते हैं।
मज़ा आ गया गाइस। रेटिंग की बात करें तो 10 out of 10 है मेरी तरफ से, फुल रिकमेंडेड है ये चीज़। अगर आप लोग सियालकोट में विजिट करें तो मस्ट आए इस शॉप पे। मिलते हैं एज यूजुअल खाना खा के। आपका खाना खा के बाहर आ चुका है तो बड़ी ज़बरदस्त जगह है, फुल रिकमेंडेड चीज़ है। अगर प्राइस की बात की जाए तो 350 का एक प्लेटर देते हैं ये लोग, तो बजट के अंदर ही मतलब लाइक करता है ये प्लेटर। तो जी ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एज यूजुअल लाइक सब्सक्राइब एंड कॉमेंट मस्ट है। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो मस्ट फॉलो करें भाई को वहाँ पर भी डेली बेस अपडेट्स के लिए। और मिलते हैं एज यूजुअल किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।